यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके सीएम योगी आदित्यनाथ को दोबारा कुर्सी पर बैठते ही बुलडोजर का असर दिखना शुरू हो गया है। प्रशासन अपराधियों और जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर सीधा प्रहार कर रहा है, जिसका असर बुधवार को संभल जिले की गुन्नौर तहसील के बरबाला में देखने को मिला, जहाँ पर SDM और तहसीलदार ने मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर नॉन एजेड जमीन को JCB चलवाकर बाउंड्री को तोड़वाना शुरू कर दिया। वहीं SDM रामकेश धामा ने बताया कि नॉन एजेड जमीन को लेकर लगभग एक महीने पहले ही अवैध कब्जा करने वालों को सूचित कर दिया गया था, अब इनकी बाउंड्रियों को तोड़वाया जा रहा है। वहीं इनमें से 2-3 और मकान नॉन एजेड के तहत आते हैं, उनको नोटिस जारी कर उनको तोड़वाने का काम भी किया जाएगा। वहीं लोगों की हमदर्दी जताने आए BJP युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संबल शिखर गोयल ने राजस्व विभाग पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ प्लॉटिंग के नाम पर राजस्व विभाग अवैध वसूली कर रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं BJP नेता के साथ आए लोगों में रोष दिखाई दिया। उनका कहना है कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, गरीबों के प्लॉटों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, यह नाइंसाफी है। शिखर गोयल, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा। अच्छा, युवा मोर्चा से आप जिलाध्यक्ष, जैसे अभी यहाँ पर कुछ जो दीवारें भरी हुई थी लोगों के प्लॉट के बने हुए थे, यहाँ पर बुलडोजर चलाया और इन सबको ढा दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? इस पर SDM साहब से मेरी बात हो गई है और जो भी लोगों पर अपने कागज हैं, जो भी जमीन है, गरीबों पर अत्याचार नहीं होंगे, और अगर प्रशासन या लेखपाल कोई भी इन लोगों को परेशान करता है तो उनसे हम जिलाधिकारी महोदय उच्च स्तर पर शिकायत करके इन लोगों की पूरी मदद की जाएगी। अच्छा, जैसे अभी यहाँ पर सुनने में आया, आपने भी इस बात को कबूला कि यहाँ पर उगाई जैसा शब्द यहाँ पर नाम आया आपके द्वारा, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या कुछ? मुझे यहाँ की जो जनता है, गरीब जनता, उन लोगों से पता लगी है कि बबराले में काफ़ी जगह इन लोगों ने फीते डाल के वहाँ लोगों से करते हैं कि आप लोग पैसा दीजिए, जो भी है। मुझे इन्हीं लोगों से सुनने में आया था ऐसा, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं हो। जैसा सरकार आपकी है और जीरो टॉलरेंस की बात सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो क्या एक्शन लेगी सरकार? पूरा जो भी हमारी भाजपा है, जो भी कार्यकर्ता है, हम सभी लोग आम जनता के संग हैं, अपनी जनता जनार्दन के संग हैं और पूरी तरह से इन लोगों के साथ मिलकर सच्चाई के साथ लड़ेंगे और किसी भी गरीब और किसी के खिलाफ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बढ़िया भैया। जैसे यहाँ पर जो ईंटें, जो दीवारें ढाई गई हैं, अभी SDM साहब ने यहाँ आदेश किया कि इन ईंटों को कब्जे में लिया जाए नगर पंचायत द्वारा, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बोल दिया गया SDM साहब को, मैंने बोल दिया है कि जिसकी जो जमीन है अभी इन्होंने ईंटें लगाई थी, वो लोग अपनी ईंटें ले लेंगे, और मैंने बोल दिया SDM साहब से वो कागज़ दिखाएं, और अगर वो नॉन जेडे की बता रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि यहीं नहीं, जो भी बड़े लोग हैं, छोटे हैं, जिसके भी पक्के मकान हैं, वो पूरी तरह कार्रवाई करें। एक तरफा कार्रवाई नहीं, आपको अंदेशा है कहीं इसके अलावा अदर जगह भी जमीन ऐसी पड़ी है कि वहाँ अंदेशा का नक्शा बोलता है? अंदेशा कुछ नहीं, वो तो नक्शा बुला लिया जाएगा, नक्शा ले लिया जाएगा। नहीं, बार बार आप इस चीज को कह रहे हैं कि इसके अलावा और भी जगह है, कहीं इसके अलावा और भी जगह ऐसी शिकायतें आई हैं जो गरीब लोग हैं हमारे पास, लोग आते हैं उनके द्वारा, सब गरीबों के द्वारा ही बताया गया है कि साहब ये नॉन जेडे पे जो कार्रवाई है, गरीब आदमी को सब पता है कहाँ कहाँ नॉन जेडे है, अगर गरीबों पे कार्रवाई होगी तो फिर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रोसेस ये, नगर पंचायत की नॉन जेडी की ज़मीन है, इसमें जो है कुछ प्लॉटिंग कर दी गई है, बेचा कोई सा खेत है, कोई से खेत में बना दिया गया है, तो कुछ लोगों ने बेनामे कराए हैं, लेकिन हमारी सरकारी वाले ने कब्जा कर लिया, तो ये कब्जा हटाया जा रहा है। इन्हें पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी और एक महीना पहले ही कार्रवाई की गई थी, सभी को अवगत करा दिया गया था, हटा लें सारे कब्जे, और अब जो मकान है उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं और बाकी जो खाली है वो खाली कराई जा रही है, और ये नगर पंचायत के यूज़ में आएगी। यहाँ पे जो भी पार्क है या किसी तरह की जो गतिविधियाँ हैं नगर पंचायत की, वो कराई जाए। बलावा और जो मकान बने हुए उनको लेकर क्या कहना है सर? इस सरकारी जो नॉन जेडी की भूमि है, इसमें 2-3 लोगों के मकान भी बन गए हैं, तो इन्हें भी कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस दे के आगे हटाया जाएगा। सर, इनको नोटिस कितने दिन पहले दिया गया था? मकानों के लिए नोटिस, वैसे तो चेतावनी इन्हें एक महीना पहले पेमाइश कर दी गई थी, सबको बता दिया गया था, लेकिन जो दीवारें बनी है इसमें किसी पता नहीं चल रहा किसका बना हुआ है, जो नींव भरी हुई है 2-3 फीट की, इसका पता नहीं किसकी बनी है, तो इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही। बाकी जो मकान बने हैं उनका प्रॉपर तरीके से नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस के बाद जो कानून कार्रवाई वो करके इन्हें हटाया जा रहा है। सब कोई कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं कि कर्मचारी में नगर, अब ये संज्ञान में नहीं आया, लेकिन सब लोगों के ही हैं, इसमें हो सकता है कि नगर पंचायत के कोई कर्मचारी हों या कोई नेता, जो भी हैं, अब कई लोगों के हैं, तो ये स्पष्ट होगा बाद में। अभी जो मकान है वो आम लोगों के हैं, जो 3 लोगों के मकान हैं उन्हें